अस्सलामुअलैकुम। अगरचे हमारे मुल्क के इंसाफ का निज़ाम बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान के तमाम इंसाफ के जजेस के बारे में जानना हर पाकिस्तानी का हक है। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ ना मिलने की सबसे बड़ी वजह वक्त पर इंसाफ ना मिलना है, और इसके बाद हमारे मुल्क के जजेस करप्ट सियासतदानों के दोस्त या इनके रिश्तेदार होते हैं। इसलिए अगर मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा सियासतदान चोरी करता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, और अगर कोई गरीब इंसान अपने गुर्बत की वजह से चंद हज़ार रुपये की चोरी करता है तो उसे जेल में कई कई साल रखा जाता है। यह है वो दोगला इंसाफ का निज़ाम जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज हमारा मुल्क आलमी इंसाफ की रैंकिंग में 139 में से 130वें नंबर पर है। आप लोग व्यूवर्स कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आपको पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम अच्छा लगता है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में 29 चीफ जस्टिसेस आ चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी ने मुल्क में आज तक इंसाफ नहीं किया। अगर इंसाफ करते तो आज आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम 139 में से 130वें नंबर पर ना होता। पाकिस्तान में आने वाले तमाम चीफ जस्टिसेस की तरतीब यहाँ नीचे दी गई हैं। आप लोग सिर्फ अपनी स्क्रीन पर फोकस करें और वीडियो को इंजॉय करें। शुक्रिया।